हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। चूँकि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है तो हम देवी दुर्गा और महिषासुर के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्गा के इतिहास को उजागर करना, महिषासुर के साथ लौकिक संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम देवी दुर्गा के आकर्षक इतिहास और राक्षस महिषासुर के साथ उनके महाकाव्य युद्ध के पीछे के गहन कारणों को जानने के लिए समय की यात्रा पर निकल पड़े हैं। दुर्गा की उत्पत्ति। शक्ति की दिव्य अभिव्यक्ति दुर्गा अपनी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में पाती हैं। उनकी उत्पत्ति की कहानी विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग है, लेकिन कई में उनकी रचना को विभिन्न देवताओं द्वारा दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने इस दुर्जेय देवी को बनाने में अपने दिव्य सार का योगदान दिया है। दुर्गा की आवश्यकता। लेकिन दुर्गा को क्यों बनाया गया? राक्षस महिषासुर के कारण ब्रह्मांड में उथल पुथल मची हुई थी, जिसने अजेयता का वरदान लेकर तबाही मचा रखी थी। देवता व्यक्तिगत रूप से उसका मुकाबला करने में असमर्थ थे। उन्होंने इस दुर्जेय बल का सामना करने के लिए दुर्गा में अपनी शक्तियों को एकजुट किया। अजेयता का वरदान। महिषासुर की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। घोर तपस्या के माध्यम से उसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया, जिससे वो लगभग अजेय हो गया। हालांकि उनके अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग के कारण अराजकता फैल गई, जिससे दुर्गा को दैवीय हस्तक्षेप करना पड़ा। युद्ध का प्रतीकवाद। दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच सतत लौकिक संघर्ष का प्रतीक है। दुर्गा उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखती है। बुराई पर अच्छाई का रूपक। यह संघर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत का एक रूपक बन जाता है। यह दर्शाता है कि अंधेरे की सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी धार्मिकता की अटूट रोशनी से हराया जा सकता है। गहरा प्रतीकवाद। शाब्दिक व्याख्या से परे लड़ाई में गहरा प्रतीकवाद है। यह उन आंतरिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका हम सभी सामना करते हैं। अपने स्वयं के राक्षसों के खिलाफ संघर्ष, अहंकार पर विजय और आत्म प्राप्ति की ओर यात्रा। तो दोस्तों, दुर्गा के इतिहास और महिषासुर के साथ लौकिक संघर्ष की हमारी खोज के निष्कर्ष में हमें प्रतीकवाद, पौराणिक कथाओं और सार्वभौमिक विषयों से समृद्ध एक कहानी मिलती है। यह सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि एक कथा है जो समय से परे है, मानव अनुभव में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यदि आपको पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह यात्रा दिलचस्प लगी तो अधिक पौराणिक अन्वेषणों के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक क्या आपको उन कालजयी कहानियों में प्रेरणा मिल सकती है जो अस्तित्व की हमारी समझ को आकार देती है? तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।